नमस्कार। उत्कलीय नववर्ष महाविषुव पणा संक्रांति आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करीमा आज हूँ महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति ता सहित हनुमान जयंती घरे घरे जदि आम देखा पणार आसर विभिन्न मंदिर में स्वतंत्र पूजा पाठ और विशेषकर आज हनुमान जयंती जेहेतु रही समस्त महावीर पीठ जी आम कह देश तमाम पूजार्चना कर श्रद्धालु मानक बेस भिड़ जमी पीठ मानक महावीर दर्शन करने गत दुई वर्ष जी आम कह खूब आडम्बर सहकार पालन कर श्रद्धालु मैंने वंचित रोते कि दुई वर्ष पर करोना कमापुर कटक कमापुर भक्त मान सु छुटी विभिन्न मंदिर मानक अनेपट जो देखा पूरी में विभिन्न जगह मानक आखड़ा स्थान में मल्लयुद्ध देखा मिली तेणु मोट पर जब कह विशेषकर पूरी जिला अंतर्गत शिरुली महावीर पीठ से स्वतंत्र आयोजन कर पीठर बेस महात्म्य रही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन कर जोटी रही प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र रही प्रदीप्त ए संपर्क में सविशेष सूचना देते केमी रही कौन नीतिकांति चलती श्रद्धालु केड़ रही सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कौन आयोजन कराई प्रदीप्त आप शिरुली महावीर रही कि समय पूर्व आप देखुले आम देखुल कमी भक्त मानक लंबा लाइन रही पीठ से महावीर दर्शन करने आशीष लाभ करने आज विशेष दिन में तेणु राति जेत बढ़ुच्छे आम देखुचे गहली बढ़ुच्च प्रदीप्त तो बर्तमान कौन नीतिकांति चली सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कौन आयोजन कराई हनुमान जयंती अवसर निहाती भाव में आज हनुमान जयंती एवं पवित्र पणा संक्रांति जो शिरुली महावीर पीठ रु आम सीधा प्रसारण आज भोर समय वर्तमान जाए जारी रही अर्गस माध्यम दर्शक मैंने देखिपारंट आपण को दृश्य देखा चाहिए तापर नीतिकांति विषय जन अच्छा देखिपे अत्यंत गहली एवं जो शिरुली महावीर पीठ से एवं भी गहली जारी रही हजार हजार संख्यार भक्त एवं आसुचार समय तो पाखापाखि नौटा हो गला कि गहली जारी रही आम नीतिकांति विषय में आलोचना करवा आम सहित वरिष्ठ पूजक मैंने अच्छा सहित आलोचना करवा आज्ञा आज ठाकुर नीतिकांति कौन कौन शेष है आउ कौन बाकी अच्छी पहाड़ पड़ेगा कौन कौन नीतिकांति आज्ञा पहाड़ खोलवा ठारू वर्तमान जाए कौन कौन सब शेष है आउ कौन सब बाकी अच्छे आज प्रभु महाविश्व पणा संक्रांति जन्मदिन जेहेतु महाविश्व पणा संक्रांति एप्रिल मास जन्म होते तेणु नीति नियम है सबू नीतिकांति सका भोर तीन टे मंगल आरती है पौड़ खोला मंगल आरती है मंगल आरती पर अवकाश हेले अवकाश पर मजणा करागला मजणा कराला पर स्नान कराला पैलुकरा मजणा कराला जमी गोटे छुआटे जमी नाई नाड़ा सब कटा जाए से प्रकार कर जन्मदिन पालन कराला जन्मदिन पालन कर प्रभु नीति नियम सरलापर प्रभु पैलुकरा मजणा कले पैलुकरा मजणा पर प्रभु बेश हेले राजवेश हेले राजवेश हो सारापर बल्लभ होला बल्लभ हो सारापर किसी समय छड़ाला तापर नौटा बेलू सका धूप आरंभ होला तापर दसटा बेलू दीपर धूप आरंभ होला दीपर धूपर प्रभु मदन मोहन जी की चलती प्रतिमा सी तो ये विग्रत कईपरि चलती प्रतिमा मदन मोहन ताद तले रे दीपर धूपटी आरंभ होला दीपर धूप सरला विमान बेढ़ा परिक्रमा कले भंडार घर को विराजमान कले साणमेला दर्शन होगा साणमेला दर्शन खोला संध्या छटे संध्या आरती होला एवं दसटा सणधूप हे एगारटे बड़ी सिंगार हे तापर प्रभु खट शेष प्रभु शोबे पाखापाखी जो जगन्नाथ मंदिर रे जो पर जो आमर ताकर नीतिकांति थाए जो सेठी परंपरा थाए प्राय समान भली लागुचे हनुमान आमर जो प्रभु श्रीमंदिर आसिले लक्ष्मीमा जो निश्वास सहय कर पारे जगन्नाथ को कहले 1235 ख्रीष्टाब्द कथा ये जगन्नाथ राजा को कहले अरे हनुमान तू अढ़े पा पछुआ पड़े जा ना कहीं प्रभु ना माँ तोर ये जो निश्वास प्रश्वास ये सहय कर पारना तेणुक बाधा विघ्न होेणुक तू अढ़े पाउंड पछुआ पड़े जा ना प्रभु मुझे अढ़े पाउंड पछुआ जी तेल मु आपणकर नीलचक्र दर्शन करी आपण जहाँ खाऊँ मुझे खाइबी आपणकर जी नीतिकांति मोर से नीतिकांति हे आपणकर जी जा मोर से जा ना नाई
रथजात्रा स्नान जात्रा झूलण जात्रा तीनोटी जात्रा हबनी आउ तोर एनी जात्रा हबो पांच धूप हबो तुलसी रे तोर नैवेद्य करा जिवो विष्णु मंत्र रामतारक मंत्र तोर पूजा करा जिवो तोर सब प्रकार जात्रा करा जिवो तेणुक मंदिर नीति सहित रजा द्वितीय अनुभूमि विभाग जड़ित करान सामान कर किसीटा उन्नीस बीस अच्छी ये जात्रा तीनोटी ना रथजात्रा ना स्नान जात्रा ना झूलण जात्रा ना ତାଙ୍କର ମଦନମନ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ମଦନମନ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଦନମନ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସାନି ମଦନମନ କରାହେଲେ ଇଏ ସେଇଦିନଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଇଏ ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଇଏ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ମିଶିଯାଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ ବାରଶହ ପଇଁତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଉ ବାରଶହ ପଇଁତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏଠି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୂଳରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶିଉଳି ଥିଲା ଏଇ କଦଳୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସାଥିରେ ମା' ଅଞ୍ଜନା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଶିଉଳି ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛି ଚାଳ ଘରଟିଏ ତିଆରି ଦେଲେ ସେ ଚାଳ ଘରକୁ ଠେସେଇକିରି ନଅ ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ରଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀ ମଣ୍ଡଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯାହା ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରିବୁ ମୋ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଖଞ୍ଜିଦେବୁ ଆସିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ସେବାୟତ ଆସିଲେ ଜମି ଖଞ୍ଜା ରାଜା ଖଞ୍ଜା ସବୁ ହୋଇଗଲା ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ପଠାଇଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିବାକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଏଇଠି ସେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇଛି ଯିଏକି କାଣ୍ଡଗଦା ମନାପୁର ଯିଏକି ଆମର ମନେଇ ସାହୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାରି ଗାଁ କାଣ୍ଡଗଦା ମନାପୁର ଗହିର ଭିତରେ ଯାଉଛି ଲାଞ୍ଜଟି ଜଣେ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ଲଙ୍ଗଳମନଟି ବାଜିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗା ରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିଲେ ପଥର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତା ମାଲିକକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମାଲିକା ସେଇଠି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିରୁଳି ହନୁମାନ କହିଲେ ଏ ମହାବାଉ ମୁଁ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ହେଉଛି ଶିରୁଳି ହନୁମାନ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜଟି ପଠାଇଥିଲି ବିଘ୍ନ ହେଲା ଆଉ ଯିବିନି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଫୁଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ମାଲିକ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରିଗଲା ଆଉ ଭୋଗରାଗ କଲାନି ସେ ଜମି ବି ଆଉ ଚାଷ କଲାନି ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ତା ନାଁ ହନୁମାନ କପାସି ଦିଆହେଇଗଲା ହନୁମାନ ପହଣ୍ଡିଆ ଦିଆହେଇଗଲା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗରାଗ ହେଉଛି କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଭୋଗ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଏବଂ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଘଷାର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଠାକୁର ଆମର ଏଠି ମହାବୀଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଛି ଅନ୍ନ ଅଛି ଡାଲି ବେସର ଖଟା କ୍ଷୀରି ଏ ତ ସବୁ ଭୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକରି ଫ୍ରେସ୍ କରି ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ାଟା ହେଲା ଅଧିକ ଫେମସ୍ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଆଣି କରନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଘଷା କଦଳୀ କ୍ଷୀର ପଣା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଅଛି ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜାଗାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଏଠି କିପରି ଭାବେ ଭୋଗରାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଠାକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି କିପରି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବା ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ମୁଁ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବି ମାଗିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ ମାଗିବି କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚାରିଥର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଗିବି ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଏ ଦିନରେ ଅଛି ମୋତେ ଘରେ ଶୁଭୁନି ଲାଗୁଛି
ठाकुर पाखक आसा केमती लगे जान मु जगन्नाथ मंदिर लोक बुझ फूल चारि धूपक दिहबा कथा आम दौ मानसिकटे कौन करी ये तो तार ये आए सब थे डाकिले से सी जहाँ कह ये करेंगे हेले मुगे कौन मुझे कौटा ना सब अच्छे सब जा सब आगे कौन किसी मागार ना सहित आलोचना करते जड़े व्यवस्था भक्त एवं से जहाँ कहते कौन सी जिनस बाकी ना भगवान तक सबकि देखिपे चूड़ा घसा प्रस्तुत सरी जे प्रस्तुत करी तक सहित किसी आलोचना करवा आप कौन सब आज चूड़ा घसा केमी कौन या करणा यानी अदा है चूड़ा घसा चूड़ा चूड़ा चीनी चारिकड़ा नड़िया 100 ग्राम घी किलो चूड़ा ये सब करिया जे मसला तेरे पणा धरे तेरे क्षीर कदमी बटन आ मसला घी चूड़ा पणार पड़े पणा हुए चारिकड़ा नड़िया 100 ग्राम घी मसला 10 टा चारिकड़ा नड़िया आज्ञा किसमिश काजु ये 1000 टा हुए ये बर्तन ने भोग आसल जे जो प्रमुख भोग शिरोली महावीर पीठर भोग जहाँ कि स्वयं हनुमान अति प्रिय खाद्य बोली कहुए एवं चूड़ा घोषा केमती प्रस्तुत होता है तार जो कौन कौन सामग्री से थे मिशी थाए सहित तो पणा मध्य प्रस्तुत करा आज दिन में आहरी अधिक परिमाण में पणा प्रस्तुत होता एवं देखु आपण को दृश्य देखा चाहिए ये भक्त मैंने जो मैंने कि विभिन्न अभिलाषा विभिन्न आशा विभिन्न आकांक्षा नहीं शिरोली महावीर पाखक आसी निजर भक्ति अर्घ्य दीप जाली गोटे गोटे दीप जाली से मैंने प्रदर्शन करार्थना कर आत्मीयों दृश्य ही स्पष्ट करे शिरोली महावीर महिमा केते व्यापक अर्थात ओडिशार विभिन्न जिलूर विभिन्न अंचल विभिन्न गाँव भक्त मैंने आसुचान दर्शन करने सहित एटी जो अंजना पुष्करणी रही कारण हनुमान माता होती अंजना एवं एटी हनुमान दक्षिण पार्श्वे स्वयं माता अंजना सीए पूजा पाई तेणु ये अंजना पुष्करणी में भक्त मैंने आसिकी आज स्नान कर सौभाग्य लाभ कर सौभाग्य जे पाई सीए तार मुख्य प्राप्ति होता है कारण अंजना पुष्करणी गाधवाप सीधा सड़क आसी यदि शिरोली महावीर को दर्शन कराए तेज ताद्वारा कोटि पुण्य प्राप्त होता है विश्वास रही आपत देखुं मंदिर चतुर्पार्श्व बर्तमान गहली चहली बर्तमान प्रकंपित हो मंदिर बाहर पारायण ठार आरंभ करके रामचरित मानस विभिन्न सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम लगातार भाव जारी रही आउ कि प्रतिक्रिया आम ने जो सेवायत मैंने अच्छा आज्ञा आज कौन कौन सब वर्तमान ठाकुर नीतिकांति कौन सब चली वर्तमान एवं भक्त मैंने दर्शन केमी कर बर्तमान आज्ञा ठाकुर हम सण धूप बड़सिंगार मईल महाविक्री महाप्रभुरा राति धूप एवं विश्राम ने जोटा भी पहुड़ा आड़ती कहुए राति 12 आज आज हम किंतु महाप्रभु पाखे आज नववर्षर सुरखुरी महाप्रभुरा यात्री मान भाव मैंने आप भक्त मानू सुरखुरी दर्शन देखते जे जो भक्त मैंने आसी मनस्काम पूरण करना कौन दैव दुर्भाग्य पड़ना वर्षा होना गरम भी असह होना कि भगवान कृपा मेघुआ बाग रहा भितर भगवान भक्त यही अलौकिक शक्ति देखते जेहेतु आज गरम रक्षा पाई हनुमान जी समय सकल शक्ति आधार बहुत बहुत धन्यवाद आम आलोचना करते हनुमान जी कि सकल शक्तिर आधार एवं रुद्रावतार कहुए
तार उपाख्यान से आज जो सेवायत देते आऊ सब नीतिकांति बाकी रही तार सूचना देते आज जड़े वरिष्ठ सेवायत अच्छा पाखु प्रतिक्रिया ना आज्ञा आज महावीर जयंती आज्ञा आपण मैं तो व्यस्त रही नीतिकांति केमी समापन हम केमी संपूर्ण हम व्यस्त रही तेरे आमको किसी सूचना दे पारे कि ठाकुर जत रामायण जुगर से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सहित एवं कलीजुगर जगन्नाथ सहित रही जो पौराणिक मत पौराणिक विश्वास किसी सूचना दे आज्ञा आज्ञा सर भारत प्रसिद्ध निजे शिवदार मूर्ति हनुमान ए श्रीमंदिर शिरोली ए श्रीमंदिर थे शिरोली की आसती अढ़े पाद निजे आविर्भाव होती सारा विश्व आपड़ हनुमान जो महावीर भी कौटी देखे सब नल नील शोषण जामेव अंगद गवाक्ष दुर्भक्ष एम को देखिए जदि शिरोली महावीर आस महावीर दर्शन स्वयं महावीर दर्शन करेंगे निजे आविर्भाव एंकर है कथा ए भारत वर्ष भितर जो जीवजगत समस्त जीवजगत प्राणीप जो रोग शोक दुख ताप हरण करने निमें समस्त संकट उद्धार करने निमें समस्त मंगल करने मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगलमूर्त समस्त विश्व सारा अमंगल को दूरभूत करने निमें से मंगलमूर्ति मारुति नंदन होती ये हूँ जन्म उत्सव ये उत्सव से निजे जन्म होती राति साढ़े तीन टे मंदिर खोलगला जन्म पर्व करा जन्म करागला नाही कटागला इछारा विछारा करागला तांकर जो प्रथम जो गरा पा पहली गरा आज्ञा आज्ञा जिमती छुआ जन्म होती जमी जन्म निश्चय करागला जन्म सरला इछारा विछार कर नाभि काटी जो गाधा करा जाए तो पहली गरा पा कहूँ आते गुड़े सरदाम घी महु दही क्षीर लहुणी अगुरु चंदन कर्पूर जायफल इत्यादि सब होकर गोटे हम पंक्तिटे बढ़ा हा से कूर आसे प्रत्येक तीर्थर जल भी आसे पंचायत तीर्थ जल सबू जगार जल सब आसव से गोटे मंडित हम पूजा पंडा बस बड़ बसभा थे बड़ पंडा थे गोटे नीतिकर्म आरंभ हम चार पाँच दिन सबसे नीतिकर्म आरंभ हम कौन कर सरला पहली से जो पाटा जी बांधी मरी रोगी व्याधि से पाने पोखर ना हो महावीर ना अंजना सगर ए यही दिन टी बुड़ थाए जो मैंने भक्त मैंने आसती जो मनस्तव नहीं ठाकुर पोखर गाधे ये पाने टे स्न करवाए फाई आ द्वितीय थर गाधे गले तार से वर्ष तार रोग था शोक था दुख था संतान सन्ती दहारुच धन दरद सब दिखे महावीर एटा कौ कारु लगे रही कौ कारु रही चलती ए महान ठाकुर कौन ना विषय आम कहू आज्ञा से तो जार ना कहले पथर पाणी निजे तो बहुत अनुभव कथा बाहर ना आम अच्छी बहुत अनुभव कथा असंभव संभव कही जीवजगत जानते कौन करमर ये पांच दिव तीन अवकाश आज स्वतंत्र नित्य अलग आग स्वतंत्र ठाकुर जन्म हो गले से कम सरला बल्लभ करागला बल्लभ पर सकाल दीप सकाल दीप दीपर दीप दीप जाता दिव बाहर बाहर सान ठाकुर चलती प्रतिभा बाहर को बाहर मंदिर गोटे हेरा बुलवे पुणी से चलती मेता से करेंगे आगे नीति आरंभ हो आज ए वर्ष टे लोक टे कम अच्छा दु वर्ष होगा करोना है आम पुरी भुवनेश्वर भल टाउन लोक सब आस मफसल लोक जहाँ आक टे कम अच्छा गुरुवार पर्वटा पड़गला से आम सेवायत मानक बेसुंगा अच्छी से बेसुंगा सुसु आज लोक मैंने रोजगार पत्र मन किसी देना कि शांति भी ना अशांति चली आम महाविष्व भल कथ करते भल ठाकुर कौन तक कह आजा जहाँ ना देखे जगत कंपी उठी श्रीणी महावीर गोटे सर मुंडिया मानते ना धरिकी जिते बड़ संकट था से संकट उधार हो आज्ञा आज्ञा धन्यवाद आज्ञा आम आलोचना करते वरिष्ठ सेवायत सूचना दूसरे जे प्रदीप्त आम आनेक कि जाना लोक कथा शुणा और किंवदंती विषय में जाना अनेक मानसिकतार पीठ को आस पूर्व शुणुले अनेक किंवदंती कि भाव में शिरोली महावीर पीठर महात्म्य रही प्रदीप्त रही आम साथ प्रदीप्त पुणि थे आप फेरली जो आम शुणुले पीठर महात्म्य शिरोली पीठ को लेकिन केते कहानी रही लोक विश्वास रही लोक कथा रही आउटे आम कि प्रतिक्रिया ना मैं शिरोली महावीर पीठ से आज दिन स्वतंत्रता विषय प्रदीप शुणी पार्टी मत
ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ବାହାରେ ପାରାୟଣ କରାଯାଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାହେଉଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେତେ ଆଉ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ କ'ଣ କୁହେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ସ୍ଥିତି? ओम आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनः युक्ते विवक्षया मनः कायग्निमहन्ति सप्रेरयति मारुतम। अर्थात कुहा जाई पारे ए हनुमान होचंदी मनर देवता, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मन युक्ते विवक्षया मनः काया ए शरीर एवं मन ये अंगांगी भाव में जड़ित। आम सहजे कही थाए जड़े बानर हूँ चंचल प्रकृतिर, जड़े छोट छुआ सहित समान ये हूँ मनर देवता अग्निगर भा। तेणु एठी जो आमर नीतिकांति चालू रही समस्त विधि विधान ये हूँ रजा राजुड़ा शासन, रजा ही ये व्यवस्था खंजिंट कही जड़े आम कई सेवायत तो मन इच्छा करदेने ये आदिम काल। तेणु एठारे देखा जाए ये जो नीतिकांतिर विचार वर्तमान तो सायम काल अवसर है, आगामी समय जे कि रात्रकालीन प्रक्रिया आमर देखा जाए संध्या आलती संध्या धूप सरी एवं द्वितीयतः रात्रधूप, रात्रधूप परे बड़सिंहार धूप आमर देखा जाए। ए क्षेत्र में दुई समय रात्र एवं मध्याह्न ए दुई समय रे किसी भोग प्रस्तुत करा जाए। एठी गोटे समय भोग प्रस्तुत करी दुई समय रे भोग करिवार विधान नाही। एवं द्वितीयतः ए भोजन जो प्रस्तुत करा जाए प्रस्तुत करा जाए तत्सहित विभिन्न प्रकार शाक एवं डाल ये मध्य प्रस्तुत करा जाए। तापर हुए ये बड़सिंहार धूपटीए हुए ये बड़सिंहार धूप आमर विभिन्न प्रकार घी घृत शुद्ध घृत विभिन्न प्रकार छणा छणी हुए, अर्थात तार मध्य प्रमाण अच्छी गोटे मांडु काकेरा यू करा जाए एवं गोटे गोलाकार लड़ू मध्य गोलाकार लड़ू मध्य प्रस्तुत करा जाए एवं तन्मध्यरे मध्य आमर थाए किछि डाली पुआ ये तीनोटी द्रव्य प्रस्तुत करा जाए। ये सब तीन रे विभक्त होकर अच्छा जमती आमर पूर्व आम जानी चूड़ा घसाटी तीन रे प्रस्तुत होकर अच्छा ये मध्य तीन रे प्रस्तुत गोटे मांडु ये शनि प्रति भल पा पूरा विस्तृत भाव टिकनिक कर बुझेले जे केमिति प्रभु शिरोली महावीरंकर पालन करा जाउछि, जो आज जयंती केमिति पालन करा जाउछि एवं तांकर नीतिकांति विषय मध्ये जानिले। तबे आउ जेमिति प्रभु हनुमान को कपि श्रेष्ठ मध्ये कहा जाए, तांकर त्रेता युग ठारु आरंभ करके द्वापर एवं कली युगरे मध्ये अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही, से जेहेतु चिरंजीवी आम से विषय में जाना आजा प्रभु हनुमान किसी एमती शक्ति अलौकिक आध्यात्मिक चेतना जहाँ से विश्ववासी को दे आसी विभिन्न जुगरे ता विषय में किसी सम्यक सूचना देवे कि भक्त देखते आज्ञा। हनुमान जी हूँ जगन्नाथ परम भक्त, आम गोटे जिनस शिक्षा लाभ करवा कौन जिनस असंभव नुह, जदि मनुष्यर इच्छा शक्ति थाए तार सबु जिनस संभव, सात समुद्र डेंगी लंका पार करवा एवं सीता ठाव करवा एटा आम चिंता कले एटा गोटे असंभव कार्य, गोटे मनुष्य गोटे बानर हो कि ये यहाँ हूँ असंभव कार्य, किंतु तांकर इच्छा शक्ति द्वारा सी सात समुद्र लंघी थे एवं सीता माता ठाव करते। केवल भक्ति आउ इच्छा शक्ति रामों प्रति तांकर अपार भक्ति थिला, अपार भक्ति द्वारा से माने असाध्य कार्य को साधन कर पारथले, एटा गोटे होची तांकर कथा। तापर आउ गोटे जिनस होची एडे बड़ लंका, लंकार एते एते सब वीर थिले, एते एते बलशाली वीर थिले, से बलशाली वीर मानुकु जे गोटे गोटे मुथा गोटे गोटे विधा जमी लंकिनी बध कले अक्षय कुमार को बध कले विधा मुथारे निहत करदे, यहाँ हूँ बलर प्रतीक बा शक्तिर प्रतीक, जमीक सी
ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଦର୍ଶନ ଆଉ ଆମର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଜୀ ହନୁମାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀହରି ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ହନୁମାନଜୀଙ୍କି ଭକ୍ତି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେ ଏଇ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ଶବ୍ଦ ପଛେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସବୁ ମହାବୀର ପୀଠରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ, ତା ସହିତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।